तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो रिवर्स कार्नोट साइकिल का एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ साइकिल है जिसका नाम है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसका नाम है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल बेसिकली एक गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसी को हम लोग सिंपली नाम दिया जाता है गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को शॉर्ट में एआरसी है ना, इसको हम लोग एआरसी, इसको जीआरसी है ना, ये कंसीडर करते हैं। और तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल या इसी का नाम हो गया गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, या फिर इसी का नाम हो गया बेल कोलेमन साइकिल। ठीक है, इसी को कहते हैं, या फिर इसी को रिवर्स ब्रेटन साइकिल। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं रिवर्स जूल साइकिल। देखिए, सबका सब जो नेम है ये सबका सब एक ही है ना। एयर रेफ्रिजरेशन बेसिकली ये सब एक गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल है। गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में अगर हम गैस के रूप में अगर एयर का यूज करते हैं तो वही एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो इसीलिए इसको में कंफ्यूज नहीं होना है। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल या गैस एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल का ही एक भाग है कि अगर हम गैस के रूप में एयर यूज करते हैं तो यही गैस रेफ्रिजरेशन जो जीआरसी है वो कहलाएगा एआरसी, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, है ना। इसको बेल कोलेमन साइकिल भी कहा जाता है या रिवर्स ब्रेटन साइकिल। इससे पहले हम लोग गैस टरबाइन में पढ़े थे ब्रेटन साइकिल के बारे में, जहां पर गैस टरबाइन जो है वो ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है, वही हमारा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो रिवर्स ब्रेटन साइकिल, ब्रेटन साइकिल का ये उल्टा हो जाएगा। या फिर इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स जूल साइकिल, है ना, तो रिवर्स जूल साइकिल। तो इन सब एक ही नाम है। तो इसका जो बेसिक हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन पे जाएं तो इसमें जो है बेसिक चार एलिमेंट होता है, यानी साइकिल में जो, यानी साइकिल नहीं सिस्टम हम लोग बोलेंगे कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होती है उसमें चार एलिमेंट होता है। पहला जो होता है वो है हमारा कंप्रेसर, ठीक है, दूसरा है इसमें कोई एक कूलर यूज करते हैं, है ना, तीसरा हो गया इसमें एक्सपेंडर यूज होता है। इसमें क्या यूज होता है, एक्सपेंडर, या इसी को टरबाइन भी कहते हैं, टरबाइन भी क्या है, एक एक्सपेंडर ही है। और चौथा जो है रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जो कि हमारा स्टोरेज में लगा हुआ रहता है ना। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर अगर इसकी हम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करें, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का अगर हम ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, है ना, तो ये एक क्या हो गया, ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर में ये कंप्रेसर का इनलेट हुआ, ये कंप्रेसर का एग्जिट हुआ, है ना। यहाँ से कंप्रेसर जो है गैस को कंप्रेस करके एग्जिट करता है। ये जो है तो कूलर है ना, और इसके बाद फिर ये जो है हमारा टरबाइन या एक्सपेंडर है, ठीक है, और इसके बाद जो है ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, है ना। यहाँ पर कोई रेफ्रिजरेटर जो है बेसिकली ये हमारा स्टोरेज में लगा हुआ रहता है अंदर में, जहाँ से वो स्टोरेज से हीट गेन करके और हमें यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ये चार बेसिक एलिमेंट है, एक कंप्रेसर है, एक कूलर है, टरबाइन है और रेफ्रिजरेटर है। ये चार बेसिक एलिमेंट है किसका, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल या गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल या बेल कोलेमन साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल या रिवर्स जूल साइकिल, ठीक है।
तो हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल ARC के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट बोले है ना, यानी कि इस साइकिल में जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, इस साइकिल में क्या है वर्किंग सब्सटेंस, या फिर इसी को हम लोग बोले तो रेफ्रिजरेंट, चूंकि यहाँ एक रेफ्रिजरेशन साइकिल के रूप में यूज कर रहे हैं, तो रेफ्रिजरेंट या वर्किंग सब्सटेंस जो है इसमें क्या यूज हो रहा है, एयर यूज हो रहा है। ठीक है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो वर्किंग सब्सटेंस या रेफ्रिजरेटर है वो एयर यूज हो रहा है ना। और एयर को यहाँ पर हम वर्किंग फ्लूड मानते हैं, और वर्किंग फ्लूड है एयर, और हम जानते हैं कि एयर जो है एयर की फेज चेंज नहीं होती है, एयर का फेज चेंज नहीं होता। फेज चेंज मतलब होता है कि गैस से लिक्विड बनना, लिक्विड से सॉलिड बनना, या सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, ये फेज चेंज हुआ। तो एयर जो है ऑलवेज क्या रहेगा, ये गैसियस फॉर्म में ही रहता है, चाहे हम इसकी टेम्परेचर ड्रॉप कर दे या टेम्परेचर जो है बढ़ा दे, है ना, ये हमेशा क्या रहेगा गैसियस फॉर्म में ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हीट का जो ट्रांसफर होगा एयर में, एयर में जो हीट का क्या होगा ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर वो किस टाइप का, वो सेंसिबल हीट ट्रांसफर होगा। किस टाइप का सेंसिबल हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि जहां पर फेज चेंज होती है वहां पर लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता है, और यहाँ जब फेज चेंज होता ही नहीं है, सिर्फ एयर क्या होगा ठंडा होगा गर्म होगा, तो यानी टेम्परेचर का सिर्फ वेरिएशन होगा, तो वो टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो सेंसिबल हीट ट्रांसफर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या पहले एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में की डेरिवेशन कैलकुलेशन या इसके स्टडी के बारे में, मतलब स्टडी करने से पहले हम इसमें कुछ एजम्पन्स मानते हैं। ठीक है, एजम्पन्स को जब हम फॉलो करेंगे तभी जो है तो हम इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन या जो इस पर हम स्टडी करते हैं वो हमारा वैलिड होगा। तो पहला एजम्पन्स जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है कि इसमें जो अमाउंट ऑफ एयर जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, यानी ये पूरे थ्रू आउट द साइकिल में जो अमाउंट ऑफ एयर यूज होगा वो एक फिक्स मास ऑफ एयर यूज होगा, और ये एयर की जो बिहेवियर होगी वो बिल्कुल एक आइडियल गैस के जैसा बिहेवियर होगा। फिर से बोलते हैं, एजम्पन्स फर्स्ट ये है कि जो अमाउंट ऑफ एयर जो इसमें यूज होगा एक साइकिल में वो हमारा फिक्स अमाउंट ऑफ मास होगा, मतलब फिक्स मास एयर यूज होगा, है ना। और ये जो एयर जो भी यूज होगा उसका पूरी तरह से बिहेवियर जो है वो एक आइडियल गैस के जैसा बिहेवियर होगा, पहला एजम्पन। सेकेंड एजम्पन इसमें ये हो गया कि इस साइकिल, ये जो साइकिल होना चाहिए ये क्लोज लूप होना चाहिए। क्लोज लूप जो है मतलब एयर जो है वही एयर जो फिक्स मास ऑफ एयर यूज हो रहा है वही हमारा सारे डिवाइस से, यहाँ जो चार डिवाइस लगा हुआ है चारों डिवाइस से सेम जो है वो वही फिक्स अमाउंट ऑफ एयर जो है वो पास करे, है ना। तो ये सेकेंड एजम्पन्स हो गया। इसके बाद जो है थर्ड एजम्पन्स है कि इसमें भी जो चारों प्रोसेस जो होगा रेफ्रिजरेटर में भी, क्योंकि एयर जब हम इस चारों डिवाइस से जब पास करेगा तो कुछ ना कुछ तो यहाँ प्रोसेस को परफॉर्म करेगा ही, तो जो भी प्रोसेस को ये परफॉर्म करेगा वो टोटल का टोटल प्रोसेस जो है वो रिवर्जिबल होना चाहिए, ये हमारा थर्ड एजम्पन्स है। चौथा एजम्पन्स ये है कि स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी होता है जिसको हम सीपी से डिनोट करते हैं वो एयर का पूरे सिस्टम में कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये बेसिक चार हमारा एजम्पन्स है। फर्स्ट एजम्पन की अमाउंट ऑफ एयर फिक्स्ड एंड बिहेवियर इज सेम एज आइडियल गैस। दूसरा हो गया कि ये पूरा सिस्टम एक क्लोज्ड लूप होना चाहिए। तीसरा है कि इसमें जो भी प्रोसेस हो वो हमारा रिवर्जिबल प्रोसेस हो, कोई भी इरिवर्सिबल नहीं हो। चौथा है कि इसमें जो स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर है वो थ्रू आउट द साइकिल वो कांस्टेंट वैल्यू रहता है। ठीक है, तो ये चार एजम्पन्स को जब हम फॉलो करते हैं और जब हम इसको कंसीडर करने के बाद ही हम इसके इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक
ठीक है। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और जो काफी पॉपुलर पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम एक्सपेंडर का यूज क्यों करते हैं जबकि हमारे पास थ्रोटलिंग ऑपरेशन भी अवेलेबल है, थ्रोटलिंग प्रोसेस भी अवेलेबल है, तो फिर हम एक्सपेंडर का यूज क्यों करते हैं यहाँ पर जबकि हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम थ्रोटल वाल्व का यूज करते थे, ठीक है। आ जबकि एक्सपेंडर का कॉस्ट जो होता है ये थ्रोटल वाल्व से कई गुना के मतलब बहुत ज्यादा होता है, और एक्सपेंडर का मेंटेनेंस भी लगातार हमें जरूरत पड़ती है मेंटेनेंस की, जबकि थ्रोटल वाल्व का मेंटेनेंस हमें उतनी जरूरत नहीं होती है, फिर भी हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम एक्सपेंडर का यूज करते हैं। तो ये जनरली सेमेस्टर एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है कि व्हाई एक्सपेंडर इज यूज्ड इन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इन प्लेस ऑफ थ्रोटल वाल्व, है ना। तो इसका जवाब हम यहाँ पर ये देंगे कि चूंकि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो हमारा वर्किंग फ्लूड है वो है एयर, और एयर एक आइडियल गैस है, एयर क्या है एक आइडियल गैस है, ठीक है। तो अगर ये एयर या ये आइडियल गैस जब हमारा यहाँ से टरबाइन से वो पास करता है, एक्सपेंडर से पास करता है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस तो ये होती है कि ये गैस की स्पेसिफिक वॉल्यूम हाई होती है ना, जिस कारण से इसका टरबाइन में एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन के कारण यहाँ पर उसकी प्रेशर की ड्रॉप होती है, और प्रेशर की भी ड्रॉप होती है, और साथ ही क्या होता है टेम्परेचर की भी ड्रॉप होती है, साथ ही क्या चीज का ड्रॉप होता है तो इन्थैल्पी की ड्रॉप होती है, यानी टरबाइन में जब आइडियल गैस पास करती है तो इन्थैल्पी की ड्रॉप होती है, और हम जानते हैं कि इन्थैल्पी जो होता है आइडियल गैस का वो हमारा फंक्शन होता है टेम्परेचर का। तो स्वाभाविक है कि आइडियल गैस के लिए अगर इन्थैल्पी की ड्रॉप होगी तो टेम्परेचर का भी ड्रॉप होगा, यानी एयर जो है टरबाइन से जब वो पास करेगी तो उसकी इन्थैल्पी ड्रॉप होगी, जिस कारण से उसकी टेम्परेचर भी ड्रॉप होगी और वो कूल हो जाएगा। टरबाइन से जब वो आउट होगा तो एयर की जो टेम्परेचर है वो लोअर हो जाएगी, वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, एक एक कारण ये हो गया एयर तो एक्सपेंडर यूज करने का। दूसरा कारण ये है कि जब ये आइडियल गैस की स्पेसिफिक वॉल्यूम हाई है ना, और जब ये टरबाइन से पास करेगा तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से हमें वो क्या देगा, एक पॉजिटिव वर्क देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क हम क्या करते हैं कि टरबाइन के शाफ्ट को यहाँ पर कंप्रेसर के शाफ्ट से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो टरबाइन का मान लीजिए कि यहाँ टरबाइन हमें कुछ वर्क दे रहा है, ये हमें वो मतलब वर्क बाय द सिस्टम है, यानी कि वर्क हमको दे रहा है, तो इस तरह से हम कंप्रेसर में जब को हमारे द्वारा वर्क इसमें देना पड़ता है ऑन द सिस्टम है, क्योंकि तो कंप्रेसर को चलने के लिए हम इनर्जी देते हैं, ठीक है, और टरबाइन वो हमें वर्क देने वाला डिवाइस है। तो अगर टरबाइन हमको कुछ वर्क दे रहा है तो उतना वर्क जो है हम कंप्रेसर वर्क को कॉम्पेंसेट करने में हम यूज कर लेते हैं, मतलब इन दोनों के शाफ्ट को कनेक्ट कर दिए, तो टरबाइन जो भी पॉजिटिव वर्क दिया वो कंप्रेसर को ड्राइव करने में हम यूज किए, तो फिर हमको यहाँ पर कंप्रेसर में जो सप्लाई करना पड़ेगा वो पहले से कम अमाउंट वर्क हमें सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दूसरा कारण है एक्सपेंडर यूज करने का। तो हम क्या क्या देख लिए कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम एक्सपेंडर यूज करने का दो फायदा है, एक तो जब आइडियल गैस एक्सपेंडर से पास करती है इन्थैल्पी की ड्रॉप होती है इसमें, इस कारण से उसकी टेम्परेचर ड्रॉप होने के ड्रॉप होता है और एयर जो है वो कूल होती है, और दूसरा कारण हो गया कि ये हमें पॉजिटिव वर्क देता है कुछ, चूंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम इसकी ज्यादा होती है तो इसमें हमको ठीक ठाक अमाउंट में पॉजिटिव वर्क मिल जाता है। तो इससे हमको कंप्रेसर के वर्क जो हमको देना पड़ता है उसमें उसको कुछ ना कुछ ये कंपेंसेट कर लेता है, तो इस तरह से हमारे द्वारा इनपुट एनर्जी का मान कम हो जाती है, दूसरा कारण है। अगर अब यहाँ पर है कि अगर हम इन टरबाइन के बदले हम यहाँ पर थ्रोटल वाल्व लगा दें,
तो थ्रोटल वाल्व में जानते हैं कि थ्रोटल वाल्व में थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है, और थ्रोटलिंग प्रोसेस एक आइसेंथालपिक प्रोसेस होता है। आइसेंथालपिक प्रोसेस में इंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर आइडियल गैस का इंथैल्पी कांस्टेंट रहा तो उसकी टेम्परेचर भी क्या रह जाएगी, यहाँ पर कांस्टेंट ही रह जाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक तो टेम्परेचर की ड्रॉप नहीं हो पाएगी, है ना। तो फिर हमको एयर जो है जितना कूल स्टेट में हमको एक्सपेंडर दे रहा है उतना हमको थ्रोटल से नहीं मिलेगा, है ना। अब यह है कि थ्रोटल वाल्व का यूज हम वेपर कंप्रेशन साइकिल में कर लेते हैं, ठीक है। थ्रोटल वाल्व मतलब एक तरह का कैपिलरी ट्यूब हो गया, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब या कोई या फिर एक मतलब छोटा सा पोरस टाइप का थ्रोटल वाल्व होता है, कई तरह का होता है ना। तो वेपर कंप्रेशन में यूज करने का कारण है क्योंकि यहाँ पर थ्रोटल वाल्व से जो फ्लूड पास करता है उसका स्टेट होता है लिक्विड, यानी कि रेफ्रिजरेंट जो है जब हम देखते थे वेपर कंप्रेशन में कि कंडेंसर से आउट होने के बाद रेफ्रिजरेंट सेचुरेटेड लिक्विड स्टेट में चला जाता था। अगर सेचुरेटेड लिक्विड स्टेट में यहाँ पर जब थ्रोटल वाल्व से पास करती है तो चूंकि वहां पर रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज भी होता था, है ना, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करता था, उस वहां पर फेज चेंज होती थी। तो वहां पर थ्रोटल वाल्व उसकी प्रेशर को ड्रॉप कर देता था जिस कारण से उसकी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर तो गैस का फेज चेंज ही नहीं हो रहा। अब प्लस में अगर हम वेपर कंप्रेशन में एक्सपेंडर का यूज कर देते तो वहां पर एक्सपेंडर में जो है रेफ्रिजरेंट जब हमारा पास करता तो वो सेचुरेटेड लिक्विड स्टेट में पास करता, और सेचुरेटेड लिक्विड का तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत लोअर होता है ना। तो वहां पर हमको पॉजिटिव वर्क इतना कम न मिलेगा कि उससे कोई हमको फायदा ही नहीं होगा, बल्कि वहां पर एक्सपेंडर जितना हमको पॉजिटिव वर्क नहीं देगा उससे ज्यादा वो मेंटेनेंस चार्ज ले लेगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट लग जाएगा, प्लस में वो वाइब्रेशन वगैरह क्रिएट करेगा और साइज भी बड़ा कर देगा। तो ये सब कारण है कि हम वेपर कंप्रेशन में थ्रो ये एक्सपेंडर की यूज नहीं करते हैं, लेकिन एआरसी में करते हैं, ठीक है। तो ये दो कारण है कि जिस कारण से हम एक्सपेंडर का यूज जो है हम यहाँ पर एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में करते हैं, ठीक है। अब बात आते हैं कि इन चारों डिवाइस के वर्किंग क्या काम करता है ये चारों डिवाइस। तो सबसे पहला रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर में स्वाभाविक है कि यहाँ से एयर जब एयर रेफ्रिजरेंट के यूज रूप में यूज हो रहा है, यहाँ पर देखिए वेपर कंप्रेशन साइकिल में हम इवेपोरेटर लिखते थे, ठीक है। तो इवेपोरेटर मतलब हो गया कि ऐसा डिवाइस जो इवेपोरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है, तो उसको हम इवेपोरेटर कहते हैं। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड से गैस का चेंज होना जो वेपर कंप्रेशन में होता है या वेपर एब्जॉर्प्शन में होता है। लेकिन यहाँ पर एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में तो यहाँ तो ये ऑल इंट्री किया तब भी वो गैसियस स्टेट में भी है, और एग्जिट किया तो भी वो गैसीय स्टेट में है। तो यहाँ तो कोई इवेपोरेशन होता नहीं है, इसीलिए इसका नाम हम इवेपोरेशन ना लिख के रेफ्रिजरेटर लिख देते हैं। यानी कि एयर बस इसमें यही होता है कि एयर यहाँ पर कूल्ड स्टेट में एंट्री लेता है रेफ्रिजरेटर में, और वो यहाँ से स्टोरेज के हीट को गेन करके यहाँ पर हॉट स्टेट में क्या होता है एग्जिट लेता है। और यहाँ कूल्ड स्टेट में एंट्री लिया, यहाँ पर अपना हीट को एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करना मतलब यहाँ एयर जो है वो स्टोरेज से हीट को गेन किया। तो जितना ये अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से गेन कर लेगा स्टोरेज से, वही उसकी क्या होगी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगी, है ना। और ये जो प्रोसेस होता है वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है प्रेशर कांस्टेंट होती है, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर ये हीट को एब्जॉर्ब करता है एयर। तो यहाँ से हमें क्या मिलती है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है। इसके बाद जो है ये हॉट स्टेट में एयर आती है कंप्रेसर में, है ना। कंप्रेसर का काम ही है कि एयर को कंप्रेस कर देना, है ना। तो ये कंप्रेसर में एयर का यहाँ पर क्या होती है कंप्रेशन होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर जो है दोनों इंक्रीज होता है, और ये जो प्रोसेस होती है
वो हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, यानी कि कंप्रेसर में जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होती है, जहां इंट्रोपी इसके कांस्टेंट होती है ना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस यहाँ से होता है। इसके बाद जो है ये एयर यहाँ से फिर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ये यहाँ से एग्जिट होती है कंप्रेसर पे, और यहीं पर हमको इनपुट एनर्जी यानी इनपुट वर्क देना पड़ता है कंप्रेसर को चलाने के लिए, और तब हाई प्रेशर में गया एयर जो है वो यहाँ से एग्जिट होता है, और वो यहाँ पे फिर पहुँचती है कहाँ पर, कूलर में। यहाँ पर क्या कहाँ पहुँचता है, कूलर में। तो कूलर में यहाँ पर कूलिंग मीडियम सब हम लोग यूज करते हैं, एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग, जो भी हो वो हम यूज करते हैं, और यहाँ से हमारा एयर से हीट का क्या होता है, रिजेक्शन होता है। कूलर में जो एयर है, एयर का हीट यहाँ से रिजेक्ट होके सराउंडिंग में जाती है ना, और फिर इस तरह से यहाँ पर एयर ठंडा होता है, और ये जो प्रोसेस होता है हीट रिजेक्शन का, ये प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी कूलर में भी प्रेशर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है, और यहाँ से उसकी हीट की रिजेक्शन होती है। फर्दर जो है वो एयर, अब हमारा यहाँ से थोड़ा बहुत इसकी टेम्परेचर ड्रॉप होती है, कूल होता है कूलर में, और तब जा करके एयर फिर आता है कहाँ पर, एक्सपेंडर यानी टर्बाइन में आती है। तो फिर भी अभी भी इसके पास कूलर में बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर ड्रॉप मतलब नहीं होता है, मतलब होता है, कूल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है, वो नहीं। तो कुछ ना कुछ ये हॉट स्टेट में ही फिर टरबाइन में एंट्री लेता है, जहाँ पर यहाँ पर उसकी एक्सपेंशन होती है। तो एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पर उसका इंथैल्पी ड्रॉप होगा, और वो इंथैल्पी ड्रॉप यहाँ पर टरबाइन वर्क में कन्वर्ट होगा, और इंथैल्पी ड्रॉप के कारण यहाँ पर एयर की टेम्परेचर ड्रॉप होती है। तो एक तो टेम्परेचर का ड्रॉप कुछ कूलर में हो गया, और बाकी टेम्परेचर का ड्रॉप जो है टरबाइन में हो गया। तो यहाँ से फिर एयर जो होती है टरबाइन से जो एग्जिट होता है, ये कूल्ड स्टेट में एग्जिट होता है। तो ये भी जो टरबाइन में एक्सपेंशन जो प्रोसेस होता है, ये भी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, मतलब यहाँ पर इंट्रोपी यहाँ भी कॉन्स्टेंट रहती है ना। तो ये भी एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया। तो ये बेसिक चार प्रोसेस, और फिर ये कूल्ड स्टेट में फिर रेफ्रिजरेटर में अपना एंट्री लेकर के यहाँ हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये बेसिक आपको चार डिवाइस में चार प्रोसेस है, जिसमें दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, किसमें कंप्रेसर और टरबाइन में जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, जबकि रेफ्रिजरेटर एंड कूलर में जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक प्रोसेस है, यानी कि दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक और दो आइसोबारिक, ये चार प्रोसेस एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिंबल दे देते हैं। कंप्रेसर में जहाँ पर एंट्री लिया, इसको हम 1 पॉइंट दे देते हैं, कंप्रेसर से जो एग्जिट हुआ यहाँ से 2 पॉइंट दे देते हैं, और फिर कूलर से जहाँ एग्जिट हुआ इसको 3 पॉइंट दे देते हैं, और फिर टरबाइन से जहाँ एग्जिट हुआ इसको हम लोग 4 पॉइंट दे देते हैं। तो यहाँ 1 से 2 जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है कंप्रेसर में, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं कि इसमें चार बेसिक प्रोसेस हो गया, ARC में जो है कितना होता है, चार प्रोसेसेस होता है, उसमें से पहला है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, उसके बाद कंप्रेसर में जान से एग्जिट होने के बाद वो कूलर में जाता है ना, यहाँ पर ये क्या है, प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस जो है ये कहाँ से, 1 से 2 है। दूसरा ये प्रोसेस जो है वो कूलर में है ना, यहाँ पर कूलर में जो प्रोसेस है वो कैसा है, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है ना।
तो यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस जो प्रोसेस टू से थ्री है, या ये कौन सा है, तो ये है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, जो कि कूलर में होता है ना। तीसरा जो है प्रोसेस थ्री से फोर, ये प्रोसेस होता है कहाँ, टरबाइन में। तो टरबाइन में फिर क्या होता है, यहाँ पर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन एक्सपेंडर, एक्सपेंडर में जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। और चौथा जो है प्रोसेस फोर से वन, ये होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। तो ये कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है। तो ये बेसिक चार प्रोसेस है। तो यहाँ पर अगर हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का अगर हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करना चाहें, यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक एक पर प्रेशर लेते हैं और एक पर वॉल्यूम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वन से टू प्रोसेस क्या है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन पीवी कर्व पे क्या आता है, ये कर्व आता है पीवी डायग्राम पे। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है, एक कर्व लाइन आता है। सेकेंड जो है टू से थ्री कांस्टेंट प्रेशर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गया जो कूलर में होता है, हीट का रिजेक्शन हुआ। फिर थ्री से फोर ये एक्सपेंशन होता है, यहाँ पर थ्री से फोर क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। ये भी क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो ये भी कर्व आएगा। अब फोर से वन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन है। तो ये हो गया वन टू थ्री फोर, है ना। और ये हमारा बेसिकली ये भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है और ये भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। इसको पी वन और पी टू ले लेते हैं, दो प्रेशर लिमिट है पी वन से पी टू, है ना। यहाँ पर वन से फोर प्रोसेस जो है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्प्शन हुआ तो यहाँ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है। ये वन से टू क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, तो यहाँ पर हमको कंप्रेसर वर्क देने की जरूरत होती है, ये इंट्रोपी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। यहाँ टू से थ्री जो है ये कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, तो यहाँ पर क्यू आर हीट रिजेक्शन है, ये भी ये कांस्टेंट प्रेशर है। थ्री से फोर जो है ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, यहाँ पर डब्ल्यू टी कुछ टर्बाइन वर्क हमें मिलती है, और ये प्रोसेस जो होता है ये भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो इस तरह से देखिए, हम लोग ब्रेटन साइकिल में जब हम लोग पढ़े थे गैस टरबाइन में, तो ये एरो का साइन उल्टा था, डिवाइस वही था। वहां पर ब्रेटन साइकिल में भी दो मतलब दो तरह का होता था, एक ओपन ओपन साइकिल, एक क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, दो होता था, है ना। तो जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है वो हमारा ब्रेटन साइकिल है। तो ब्रेटन साइकिल में यहाँ पर बस साइकिल सेम ही था, यही वाला, सिर्फ क्या था, यहाँ पर एरो जो उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है वो हमारा इस डायरेक्शन में इधर की ओर, यानी जैसे टू से थ्री प्रोसेस अभी इधर है, तो उस समय ये ऐसे चलता था, है ना। और जहाँ पर कंप्रेसर हम लगा रहे हैं, यहाँ पर टरबाइन था, और जहाँ टरबाइन था वहाँ कंप्रेसर लगा हुआ था, है ना। तो वो तो एक पॉजिटिव मतलब वहाँ पर टरबाइन वर्क काफी ज्यादा होता था कंप्रेसर वर्क से, और वहाँ हमें उस पॉजिटिव वर्क का इस्तेमाल करते थे अपने टरबाइन को ये ड्राइव करने में, जो जहाँ भी हम उसका ब्रेटन साइकिल का यूज, जनरली जो हमारा जेट प्लेन है वो सब में यूज होता है, तो वहाँ पर हम उसका इस्तेमाल करते थे, है ना। और ये जो है रिवर, ये उल्टा अगर साइकिल है सेम है, लेकिन यहाँ सिर्फ डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रिवर्स ब्रेटन साइकिल। इसका नाम क्या है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, ब्रेटन साइकिल का ये रिवर्स हो गया, है ना। ये हमारा एआरसी में यूज होता है। इसी का अगर हम लोग यहाँ पर टीएस डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहें, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करना चाहें, तो देखिए
ये वन से टू प्रोसेस तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है ना। यहाँ पर क्या होगा कि इंट्रोपी कांस्टेंट होगा तो ये सीधा वर्टिकल लाइन आएगा, तब ना यहाँ पर क्या होगा इंट्रोपी कांस्टेंट होगा, तो ये वन से टू इंट्रोपी हो गया है ना। इसके बाद है कि टू से थ्री क्या है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, तो यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रहा है तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा, और कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पर टीएस डायग्राम में कर्व आता है, ये हमारा कर्व लाइन हो गया है ना। तो टू से थ्री हो गया, अब थ्री से फोर फिर वापस क्या है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो फिर यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगा है ना। और थ्री फोर से वन जो है ये कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा कर्व लाइन आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंबल हो जाएगा वन टू थ्री फोर, देखिए वन से टू आइसेंट्रोपिक है, इंट्रोपी कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ भी इंट्रोपी कांस्टेंट है, और यहाँ पर भी प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो इस तरह से ये क्या हो गया टीएस डायग्राम हो गया। यहाँ पर कंप्रेसर वर्क सप्लाई होती है, यहाँ से टरबाइन वर्क हमें मिलती है, यहाँ से हीट रिजेक्शन होता है सराउंडिंग में, और यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है रेफ्रिजरेटर में स्टोरेज से। तो ये चारों प्रोसेस को हमने पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम के ऊपर हम क्या कर लिए ड्रॉ कर लिए। तो हम देख रहे हैं कि रिवर्स ब्रेटन साइकिल में भी ऐसा ही आता, ब्रेटन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन में सिर्फ अंतर है डायरेक्शन का, यहाँ डायरेक्शन क्या हो गया चेंज हो गया। तो ये एआरसी का पीवी और टीएस डायग्राम है।